हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है लीची का जूस। लीची का जूस पीने में जितना टेस्टी लगता है, गर्मियों में ये पीने में उतना ही फायदेमंद होता है। और अगर आपके बच्चे फ्रूट्स खाना कम पसंद करते हैं तो उन्हें ये लीची का जूस बना के दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है ये लीची का जूस आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और हमेशा की तरह आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए बनाना शुरू करते हैं लीची का जूस। तो यहाँ हमने गैस पे पतीला रख दिया है गर्म करने के लिए, और लीची हमने ली है 1/2 kg। इसको हमने छील के इसकी गुठलियाँ हमने अलग कर ली हैं और इसको हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। तो हमें लीची को उबालना है। उबालने के लिए पतीली में पानी डाल लेते हैं। तो हम पतीली में डालेंगे 2 ग्लास पानी। ये हमने 1 ग्लास डाला, 1 ग्लास और डाल देंगे और बस गैस रखेंगे मीडियम फ्लेम पे। और अब हम इसमें डालेंगे ये लीची। तो लीची को हमें अच्छी तरीके से पानी में उबालना है, तो उबलने देते हैं इसे। तो जितने हमारी लीची उबलती है, दूसरी साइड एक और पतीला रख लेंगे। हम इसमें डालेंगे 1 ग्लास पानी और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप शुगर। तो हमें इस पानी को इतना उबालना है कि चीनी अच्छे से इसमें डिसॉल्व हो जाए। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ चीनी घुलने तक हमें इस पानी को उबालना है। तो बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहें जिससे कि जल्दी ये चीनी पानी में घुल जाए। तो ये देखिए, इसमें हल्का सा उबाल आ गया है। तो बस चीनी हमारी अच्छी तरीके से पानी में घुल चुकी है। गैस बंद कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। दूसरी साइड ये देखिए, लीची वाला पानी अच्छी तरीके से उबल चुका है। और अब हम गैस लो टू मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और इसे 5 मिनट तक और उबलने देंगे। तो फ्रेंड्स, लीची को उबलते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो लीची को उबालते समय आप टाइम देख लें, सिर्फ हमें इसे 10 मिनट तक उबालना है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं उबालना है। तो यहाँ हमारी लीची अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। तो उसके लिए हम इसे डालेंगे जार में। और बस अब हम इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे। तो इसे हमने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है। और बस अब लास्ट में इसे हम छानेंगे, क्योंकि इसमें जो भी रेशे होगा वो ऊपर छन्नी में रह जाएगा, इसलिए इसे छानना बहुत ज़रूरी है। तो इसे छान लेते हैं। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये पीने में बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे बना के फ्रिज में 2 से 3 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो जब भी आपको जूस पीना हो, फ्रिज में से निकालें और ठंडा ठंडा पिए। तो इसे हमने छान लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो जो हमने चीनी वाला पानी बनाया था वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो बीच में जूस को चेक कर लें, अगर आपका जूस ज़्यादा मीठा लगे आपको तो आप चीनी वाला पानी ना डाल के इसमें सादा पानी भी डाल सकते हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा हमने चीनी का पानी डाल दिया है और इसे भी छान लिया है जिससे कि अच्छी तरीके से और छन जाए। तो ये देखिए, इसे हमने अच्छी तरीके से छान लिया है। छन्नी हटा देंगे और अब चेक करेंगे कि हमारा जूस कितना गाढ़ा है। अभी हमारा जूस बहुत गाढ़ा है, तो इसमें पानी डालेंगे। तो थोड़ा सा चीनी वाला पानी बचा है, ये डाल देंगे। और इसमें मैं थोड़ा सा सादा पानी भी ऐड करूँगी। तो जूस हमारा रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। तो यहाँ मैं 1 छोटा नींबू का रस डाल रही हूँ। आप खट्टा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, जैसा आपको पसंद है। तो ये जूस बनके हमारा तैयार है। तो अब हम इसे किसी भी जग में या बॉटल में, किसी में भी डाल सकते हैं इसे। तो यहाँ मैंने इसे जग में डाल दिया है। अब हम इसे करेंगे सर्व।
तो ग्लास में हम डालेंगे आइस क्यूब, और 2 से 3 पिंच हम इसमें डालेंगे काला नमक, और बस अब हम इसमें डालेंगे जूस। तो देखा फ्रेंड्स कितना इजी है लीची का जूस बनाना घर में, और आप इसे बनाइए, खुद भी पीजिए और अपने बच्चों को भी पिलाइए। तो इस गर्मी आप लीजिए लीची के जूस का मज़ा। तो ये लीजिए लीची का जूस बनके हमारा तैयार है। सो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है आज की मेरी ये रेसिपी आप एक बार अपने घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे, और ट्राई करने के बाद मुझे नीचे कमेंट लिखना ना भूलें। तो फ्रेंड्स आप लीजिए लीची के जूस का मज़ा। हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।